बांदा जिला पंचायत सदस्य व भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री श्वेता सिंह गौर की मौत के बाद उनके पति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वहीं जब उनके पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि श्वेता सिंह गौर बहुत ही सरल स्वभाव की थी। दीपक भी हसमुख हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे, कभी झगड़े की बात सामने नहीं आई। बस दीपक में एक कमी थी कि वह हर दिन अपने दोस्तों को घर बुलाकर शराब पीता और पिलाता था। उनकी खूबसूरत जिंदगी में इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी, यह कभी किसी ने नहीं सोचा था। पड़ोसियों के मुताबिक वैसे दीपक मोहल्ले में ज्यादा मतलब नहीं रखता था, दोस्तों को छोड़कर ना ही उसका मोहल्ले में आना जाना था, लेकिन श्वेता गौर मिलनसार थी। वहीं दीपक के घर में दोस्तों का जमावड़ा बहुत रहता था, देर रात तक लोग रहते और शराब पीते थे। बस उसकी यह हरकत पड़ोसियों को नापसंद थी, इसलिए कोई उसके घर आता जाता नहीं था। श्वेता की मौत के एक दिन पूर्व दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ, तभी दोनों की तेज आवाज बाहर तक सुनाई दी। इसके पहले कभी उनके बीच झगड़ा नहीं सुना। वहीं DDC में भाजपा नेत्री श्वेता सिंह गौर और भाजपा नेता अधिवक्ता डॉक्टर दीपक सिंह गौर के बीच चल रही कलह की भनक भाजपाइयों को भी नहीं लगी। जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का कहना है कि तिंदवारी जसपुरा क्षेत्र में होने वाले संगठन कार्यों में दोनों पति पत्नी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे, लेकिन कभी भी मनमुटाव को जाहिर नहीं होने दिया। बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी का कहना है कि घरेलू मामलों में दखल ठीक बात नहीं होती, कलह की जानकारी सामने आती तो निपटारा करने की कोशिश की जाती। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि उन्हें श्वेता और दीपक के बीच चल रहे विवाद की जानकारी नहीं हुई, न ही दोनों ने पार्टी नेताओं को कोई बात बताई। आपको बता दें कि बांदा जिला पंचायत सदस्य भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री श्वेता सिंह गौर का शव बुधवार को बंद कमरे में फंदे से लटका मिला। श्वेता के पिता धर्मवीर सिंह ने भाजपा नेता व अधिवक्ता पति डॉक्टर दीपक सिंह गौर पर हत्या का आरोप लगाया है। दीपक का पैतृक गांव मरझा जसपुरा है। दीपक और श्वेता अपनी तीनों बेटियों मित्तो, गौरी व अविष्का के साथ शहर के इंदिरा नगर स्थित आवास में रहते थे। सुबह 10 बजे नौकर छेदीलाल ने श्वेता के कमरे के बाहर से आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। संदेह पर नौकर ने श्वेता के रिश्तेदार और कुछ पड़ोसियों को बुला लिया। कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो सामने पंखे के सहारे दुपट्टे से श्वेता का शव लटका मिला। कमरे के बाहर आंगन में श्वेता के दो मोबाइल फोन भी टूटे हुए मिले। पुलिस अधिकारी, फोरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। छेदीलाल ने पुलिस को बताया कि मित्तो लखनऊ में हॉस्पिटल में रहती है, गौरी सुबह अपने स्कूल चली गई थी और अविष्का करवी में अपने ननिहाल में रहती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।